यहाँ विपर्यास चैनल। आज संडे है तो हमने सोचा कि घूमने चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं डबारी बीच, जो सूरत के पास ही में है। तो हम घर से 3:30 बजे निकले हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा वो प्लेस, तो मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताऊँगी कैसा है वो जगह। तो आप देख सकते हैं, साथ ही में मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर है और हम सब लोग घूमने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज थोड़ी धूप निकली है। ये डबारी बीच जहां हम जाने वाले हैं वो सूरत सिटी सेंटर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। यहां मैंने मैप की फ़ोटो डाली है, आप देख सकते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डबारी बीच पड़ता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम दांडी रोड पहुंच गए हैं। ये दांडी रोड है, आप देख सकते हैं। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े वाले ग्रीन पेड़ है और रास्ता भी काफ़ी क्लीन है और क्राउड भी बहुत कम है और बहुत अच्छा वेदर है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से डबारी बीच 5-6 किलोमीटर के दूरी पर ही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 5-6 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं, पत्थर है और बहुत ही रास्ता ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन रास्ता ठीक ठाक है, पत्थर वाला रास्ता है। और बारिश की वजह से यहाँ बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, तो आपको ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए चलते हैं डबारी बीच और देखते हैं कैसा है डबारी बीच, जो मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार मैं देख रही हूँ। फाइनली हम डबारी बीच पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बीच है, बहुत क्लीन वाटर है। अभी मैं पानी के पास नहीं पहुंची। रास्ता बहुत खराब था, 4-5 किलोमीटर जितना, लेकिन पहुंच के बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैं पानी के पास पहुंच गई हूँ, आप देख सकते हैं वेव्स आ रही है, ऊपर सूरज है, बहुत अच्छा व्यू है, धूप निकली है। थोड़ी देर पहले यहाँ क्लाउडी क्लाउडी वेदर था, अब यहाँ पे धूप निकली है। तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।